हे गाइस, मेरा नाम चंद्रकिशोर बख्शी और आज मैं बताने वाला हूँ कि जो अपना कल अपडेट आया था Asus ZenFone Max Pro M1 में बिल्ड नंबर 327, उसमें क्या क्या इंप्रूवमेंट्स हुआ है और जो सिर्फ एक चेंज लॉग उसमें लिखा था कि स्टेबिलिटी में क्या चेंजेस है। एक चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ, सबसे मज़ेदार जो लगा मेरे को वो है अपना बैटरी बैकअप में। जो आइडियल जो अपना बोलते हैं ना कि एक ओवरनाइट में जो बैटरी ड्रेन होती है, अब वो नहीं होती है। अब मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए ये वाला, ये आप देखेंगे ना, ये ओवरनाइट मतलब रात से सुबह तक ये 1% भी डाउन नहीं हुआ है अपना इसमें बैटरी में। तो आप देख सकते हैं फ़ोन आइडल जो रहा है वो ऑलमोस्ट 14 आवर्स रहा है। और मैं ये बोलूँगा कि इसको यार फिर मैंने चार्ज कर दिया था कि बहुत कम फिर हो गया था, 50 ऑलमोस्ट 45 में चला गया था। इसलिए इतना आप देखिएगा तो आपको ये लगेगा कि आप खुद की आइडल ड्रेन जो था अपना वो फिक्स हो चुका है, इसमें बैटरी बैकअप अच्छा मिलने लगा है। लेकिन मेरे को एक चीज़ जब पबजी मैंने खेला तो जो आप देख सकते हैं इस तरह का मेरे को मिल रहा है, ये ऑलमोस्ट मैं बोलूँगा थोड़ा सा ज़्यादा है अभी भी। शायद हो सकता है कि ऑप्टिमाइज में आकर जो बैटरी ऑप्टिमाइजेशन वाला जो वीडियो मैंने बनाया था उससे मैं करूँगा, क्योंकि आप तो लोग तो जानते होंगे कि मैं रूट करता हूँ। जब जैसे ये अपडेट आया उसके बाद मैंने तुरंत इसको मैंने रूट से स्टॉक मिलाया इसको, और स्टॉक करने के बाद फिर जो था अपना ये जो अपडेट्स थे वो इसमें आ गए हैं। अब आप देख सकते हैं 327 लिखा हुआ है, जो मैंने जो लेटेस्ट अपडेट था वो अपना आ गया है। और तो मतलब रूट करने के बाद वो बोलते हैं ना कई लोग कि नहीं आता बूट लोडर, सब ये सब जो कर लिया मैंने इसके बाद फिर मेरे को अपडेट तुरंत मिल गए दोनों। और ये एक चीज़ मैं बता देना चाहता हूँ, जो अपडेट मेरे को मिले ना वो है 523 MB का। क्यों मिला मेरे को 523 MB का, बहुत लोगों को शायद मिला होगा वो और उन्हें क्वेश्चन भी पूछेंगे मेरे को पता है, लेकिन मैं बता देना चाहता हूँ इसलिए मिला है क्योंकि अगर आपने इसको सॉल्व नहीं किया है ना, अगर अपडेट नहीं किया है आपने सितंबर वाला जो पिछली बार जो अपना आया था 5 तारीख को, अगर उसको अपडेट नहीं किया है तो फिर वो पूछेगा आपको इस न्यू अपडेट में कि वो 523 जो MB जो वो इंक्लूड हो जाएगा इसमें भी। तो अगर आपका पुराना अपडेट नहीं हुआ होगा तो वो भी इंक्लूड हो जाएगा इसमें, और इसके कारण 523 MB का अपडेट हो जाएगा वो। तो नॉर्मली ये जो अपडेट था वो था 63 MB का करीब का था, और 63 MB मतलब कि जो लेटेस्ट है अपना जो सिंगल जो आपने अगर सितंबर वाला अपडेट कर लिया होगा तब वो 63 MB दिखाएगा, नहीं तो वो 523 MB तक ऐसे चला जाएगा। तो ये है, और फीचर्स के नाम पे और कुछ नहीं दिया गया है इसमें, ऐसे कुछ भी नहीं है जिसमें आपको और मैं कुछ दिखा सकूं इस वीडियो में। और अगर मैं बात करूं कैमरा इंप्रूवमेंट्स, देखिए एक तो मेरे को ये बग लगता है यहाँ पे सेटिंग्स ऑप्शन नहीं आता, जो कि उन लोगों ने अभी तक इसको सॉल्व नहीं किया है, यहाँ पे सेटिंग ऑप्शन नहीं है। अब मेरे को करना क्या पड़ेगा इसके लिए, मेरे को कैमरे में जाना पड़ेगा, अब यहाँ पे सेटिंग ऑप्शन आ जाएगा, फिर इसको वापस मेरे को इसमें जाना पड़ेगा, फिर ये सेटिंग ऑप्शन आएगा। तो ये एक बग है जो कैमरे का काफ़ी समय से ये बग है, ये अभी का नहीं है लेटेस्ट, ये बहुत पहले का बग है। और दूसरी चीज़ मैं बता देना चाहता हूँ कि भाई अगर आपको एक चीज़ में कि भाई ये फिंगरप्रिंट कैसा हुआ है, फिंगरप्रिंट हुआ है मैं आपको दिखा देता हूँ। या मैंने फिंगरप्रिंट सेट करके रखा है, फेस अनलॉक भी सेट करके रखा है। अगर मैं इसको बंद कर देता हूँ और ये मैं करता हूँ तो आप देखिएगा ये तुरंत ये खुल जाता है, और इसको मैं करूँगा ये खुल गया। और ये देखिए इसको मैं यहाँ से करता हूँ ताकि आपको ये लगे ना कि कुछ और कर रहा है, ये देखिए खुल गया, आवाज आ जाती है, मतलब फिंगरप्रिंट बहुत फास्ट हो गया है। अब इतना फास्ट भी अपने को नहीं चाहिए कि हम दूर से ही करें और अनलॉक हो जाए। कई लोग बोलते हैं कि भैया और फास्ट चाहिए, और कितना फास्ट चाहिए आपको, पॉकेट में रखे रखे वो हो जाएगा क्या? तो ये मैं बोलूँगा कि भाई इसमें फिंगरप्रिंट बहुत अच्छा हुआ है, और इसको हम करेंगे तो ये इस तरह से हो जाता है। फेस रिकॉग्नाइजेशन की मैं बात करूं तो फेस अनलॉक का मैंने करके रखा हुआ हूं, तो फेस अनलॉक थोड़ा सा अभी भी स्लो है। अगर मैं इसको दिखाऊं तो शायद आएगा कि नहीं आएगा, शायद फेस अनलॉक जो है वो स्लो है। फेस अनलॉक मतलब उतना फास्ट नहीं है जितना होना चाहिए उसको। अगर वो 2-3 सेकंड तक अगर नहीं हुआ ना अनलॉक, तो इसका मतलब कि वो अनलॉक नहीं होगा, फिर आपको फिर से वो आइकन दबाना पड़ेगा, तब वो जाके फेस अनलॉक होगा। तो ये मैं बोलूँगा कि अगर आपको फिंगरप्रिंट चाहिए था और आपके फिक्स जो बग्स इशू आ रहे थे वो अब सॉल्व हो चुके हैं इसमें, और जो कैमरे जो सबसे बड़ा मेन जो अपना जो था वो था बैटरी का, जो कि आइडल बैटरी बैकअप बहुत मतलब आइडल बैटरी जो ड्रेन थी ओवरनाइट वाली वो सॉल्व हो चुकी है। और बाकी बैकअप के हिसाब से मैं देखा जाऊँ तो बैकअप भी काफ़ी अच्छा इंप्रूवमेंट हो गया है। तो मतलब धीरे धीरे ओवरऑल अब वो शुरू हो गया है जो हम वेट कर रहे थे महीनों से, तो काफ़ी अच्छा है। और मैं बोलूँगा चाहूँगा कि फिर भी मैं इसको
फिर रूट करके देखूंगा और फिर कस्टम कर्नल डाल के देखूंगा किस तरह से होता है। तो यही है भाई वीडियो में बताने का कि मैं आपको बता सकूं कि अपडेट के बारे में और क्या क्या इसमें फिक्स हुआ है। बाकी और कुछ फिक्स नहीं है इसमें, स्टेबिलिटी के नाम पे बैटरी और फिंगरप्रिंट इंप्रूव्ड हुआ है, ये मैं बोलना चाहूंगा। अगर आपको कुछ और क्वेश्चंस है उसके पूछना है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, जिनका अपडेट नहीं आया वो मैनुअल अपडेट कर सकते हैं, नीचे लिंक देके रखी हुई है उसको आप डाउनलोड करके आप उसको मैनुअल अपडेट कर लीजिए, उसका वीडियो मैंने देखे रखा है। और मैं हमारा टेलीग्राम ग्रुप है वहाँ पर भी आप ज्वाइन कर सकते हैं मेरे। तो मैं हूं चंद्रकिशोर बख्शी एक्सप्लोर गिज्मो की तरफ से, मैं आपको बाय बोलता हूं, बाय बाय।